मुझे टेस्ट किया जा रहा है क्योंकि और कुछ ऑप्शन होता ही नहीं और कभी कभार धर्म भ्रष्ट हो जाता है। कैसे बताएं हम तुम्हें, शुरू से शुरू करते हैं। हम पहुंचे, हमने कहा कुछ खाते हैं, बुफे लगा हुआ था। बुफे पे हम गए, चिकन ही चिकन, चिकन केकड़े, चेंगुए, केंचुए, पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीजें, झेंग क्या कहते हैं, झींगा। जो इंसान शाकाहारी है वो क्या कर सकता है, वो चावल खा सकता है, ठीक है, वो पापड़ खा सकता है। अरे बहनचोद, पापड़ ही झींगा था, झींगे का पापड़। मैंने आज तक झींगे का पापड़ नहीं सुना है। मैंने मजे मजे में दो खा गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसने आके बताया कि ये तो नॉन वेज है, मेरा दिमाग खराब, मेरी दुनिया सनक गई। फिर हमें किसी ने बताया कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं था तो माना नहीं जाता, एक काम करो वेज खा लो और जिससे दब जाए। तो फिर मैंने सोचा ठीक है ऐसे कर लेते हैं। फिर मैंने मोमोज खा लिए जो वेज थे, ऐसा मुझे लगता था, वो भी नॉन वेज निकले। मैंने कहा चावल पे चलते हैं, मैंने चावल खा ली, उसमें भी चिकन निकला। बाहर जाना एक शाकाहारी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। मेरे सारे देशों से विनती है, हालांकि कोई सुनेगा नहीं, फिर भी विनती है यार, वेजिटेरियन में ऑप्शन बढ़ाओ। हम कब तक कोक और पीजे पे सरवाइव करते रहेंगे भाई? और कभी यहाँ तो पीजे भी नहीं होते, यहाँ की चीज़ को भाई भरोसा नहीं किया जा सकता। इनके डेजर्ट तक में चिकन को पैसा बर्बाद पहन चो।